हेलो दोस्तों, अभी त्रिवेणीगंज प्रखंड के पर्यापट्टी पश्चिम के अंदर हम लोग हैं, वार्ड नंबर 9 में। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे उप मुखिया जी हैं और वार्ड सदस्य, 9 वार्ड के वार्ड सदस्य मोहम्मद सादिक आलम जी हैं, और यहाँ पे बाकी सारे ग्रामीण हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक जो है डेथ हो गया है एक दादाजी के, जिसका नाम नारायण राम है। वो काफ़ी गरीब हैं और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप ये देख सकते हो। और इनके जो है ना अभी डेथ हो गया है और काफ़ी लाचार है। इनके जो बेटे वगैरह हैं ना वो सभी बाहर हैं, और इनके एक पोता है वो भी काफ़ी बीमार चल रहा है, वो डॉक्टर के पास भर्ती है। इनके पास किसी भी तरीके का कोई आर्थिक मदद के लिए, मतलब कि कहीं से कुछ नहीं था, तो ग्रामीणों ने आकर के यहाँ पे इनका मदद किए हैं। हमारे उप मुखिया जी हैं यहाँ के, पर्यापट्टी पश्चिमी पंचायत के जो हम मुखिया उप मुखिया जी हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से मदद यहाँ के ग्रामीणों ने की है। तो हम बात करते हैं उप मुखिया जी से। जी मुखिया जी, देखिए ये वार्ड नंबर 9 पर्यापट्टी पश्चिम अंतर्गत पड़ता है। इसका वार्ड सदस्य हमारे मोहम्मद सादिक जी हैं। ये सबसे गरीब BPL परिवार, भूमिहीन परिवार जो सड़क पर बसे हुए हैं, इस दुख की घड़ी में वार्ड सदस्य हमारे 9 नंबर के थे, वार्ड सदस्य 8 के भी थे और हम भी थे। कभी अंतुष्टि में तो पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, उसको हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ से 1500 रुपया आर्थिक मदद किए। और मालूम हुआ कि इसका पोता भी बहुत सीरियस है और वो सुपौल में भर्ती हैं। इसके लिए युवा कमेटी और से, खुद की ओर से मदद किए गए हैं, और हम लोग भी शाम में मदद कर रहे हैं कि सभी आदमी, ग्रामीण, नौजवान मिल के इसके परिवार को हर संभव शाम तक में मदद करेंगे। और बच्चा को ठीक करने के लिए सभी ग्रामीणों द्वारा जो भी मदद होगा हमारे नौजवान शाम तक में करेंगे। इसके लिए हम उप मुखिया प्रतिनिधि की ओर से अपील भी करते हैं, ऐसे परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में अवश्य मदद करना चाहिए। उनके लिए आपके इस लाइव टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय सेवानिवृत्त शिक्षक थे शिवनारायण बाबू, जो रिटायरमेंट हैं, आप इससे भी बात करें, बुजुर्ग हैं, गाँव के सर्वश्रेष्ठ आदमी हैं। जी बाबूजी, हम बाबूजी से बात करना चाहते हैं कि किस तरह से मदद होनी चाहिए ऐसे फैमिली का। जी सर, मेरा कहना है यह इस पंचायत में, पूरे पंचायत में सबसे निर्धन था, जिसकी मृत्यु आज हो गई। उसके परिवार में उसको 3 लड़का है, तीनों लड़का बाहर है, पोता भी बीमार है। अग्नि देने के लिए चर्चा हो रही है, कौन अग्नि देगा। तब बात हुई जो पोता है एक ठो दूसरे बेटा का, वही अग्नि देगा। और इस घड़ी में हम आग्रह करेंगे कि आप सरकार को भी खबर कर दें कि इसके गरीब परिवार को मदद मिले। अब हमारे वार्ड नंबर 9 के जो वार्ड सदस्य जी हैं सादिक आलम, उनसे भी बात करना चाहते हैं कि आपने किस तरह से मदद की है और लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसे फैमिली के किस तरह से मदद होनी चाहिए। ऐसे परिवार को हर संभव जो होगा हमसे मदद करेंगे, और ग्रामीण से भी, और ग्रामीण से भी करेंगे, कहेंगे कि जो भी हो सके इस परिवार को देंगे। और भी कई वार्ड सदस्य भी यहाँ पे मौजूद हो गए हैं, जो मतलब कि इनके मदद के लिए अभी आए हुए हैं, ठीक है। और ग्रामीणों ने मिल करके, ग्रामीण सब मिल करके यहाँ पे जो है ना काफ़ी मदद के लिए आ गए हैं। बाकी अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे फैमिली का आप लोग भी मदद कीजिए। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप आके भी यहाँ पे मदद कर सकते हैं, आप हमारे उप मुखिया से मिल सकते हैं। और वार्ड सदस्य जी जो सभी फंड को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं इनके पोता के लिए, जो कि अभी डॉक्टर के पास भर्ती है, उनके लिए भी काफ़ी फंड की ज़रूरत है। तो आप अगर फंड देना चाहते हैं और गरीब फैमिली के लिए, तो आप हमारे वार्ड सदस्य जी से मुलाकात कर सकते हैं। मैं नंबर इसमें मेंशन कर दूंगा, और हमारे उप मुखिया जी हैं, इनका भी नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, और डायरेक्ट आप जो है इस प्रीत के फैमिली को आप मदद कर सकते हैं। इनका आप बैंक अकाउंट लेकर के इनका मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं इनका घर वगैरह दिखा रहा हूँ, कोई भी इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं है। सर ये जो है बेसिकली सड़क पे बसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इनका घर है, ठीक है। तो मैं आपको इनका घर वगैरह दिखा रहा हूँ। तो संस्कार के लिए भी यहाँ पे सब कुछ तैयारी ग्रामीणों ने किया है, और इधर जो है दाह संस्कार का तैयारी चल रहा है। तो घर में कोई नहीं है जो इनका दाह संस्कार भी करे, छोटा बच्चा है, जो इनके फैमिली जो है, जो इनके बेटे हैं वो एक्चुअली बाहर है और बहुत ही लाचार हैं, गरीब हैं। तो अगर आप लोगों से भी मदद
की अपील है, अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इनके खाते में डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। इनका जो पोता है वो भी एक्चुअली मतलब सीरियस कंडीशन में है, वो डॉक्टर के पास अभी भर्ती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सारा तैयारी कर लिया गया है, बाकी मेन चीज़ है कि अब इनका पोता जो वो हॉस्पिटल में भर्ती है उनको सख्त मदद की ज़रूरत है। और मतलब पूरे फैमिली जो है ना वो गरीब है, तो आप लोगों से अपील है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।